हम लोग मौजूद थे, व्यास परिवार के लोग वहाँ पर, गणेश्वर शास्त्री जी थे और मुथा जैन जी थे पुलिस कमिश्नर, और आर लिंगम डी एम साहब भी थे और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, ये लोग वहाँ मौजूद थे। पहले जो हम लोग उसमें प्रवेश किए तो गंगा जल से सब शुद्धिकरण हुआ, छिड़का गया सब जगह जो है। उसके बाद जो आकृतियाँ बनी हुई थी उनको जो है प्रयुक्त किया गया खम्भों में, फिर उसके बाद पूजा शुरू, फूल अक्षत से पूजा उनका शुरू हुआ खम्भों में। फिर जो आकृतियाँ वहाँ थी क्षतिग्रस्त जो है कि जो है वहाँ पर, जैसे कि मगरमच्छ की मूर्ति है और जो है समझ लीजिए कि कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ हैं संकलन करने की, उन सबों का पूजन जो वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद तो पूजन शुरू हुआ स्वास्थ्य वचन से समझ लीजिए। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया।